नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर चौहान, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। तो आपके लिए धूलिवंदन का हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज आपके लिए खास एक टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। टॉपिक आज का टॉपिक है शराब पे। टॉपिक है दोस्तों, शराब पीना सामाजिक बुराई है, शराब पीना अच्छा नहीं है। आप शराब पी रहे हो, आपके जीवन को पूरा आप बर्बाद कर रहे हो, पूरा बर्बाद कर रहे हो, आपके लाइफ का पूरा बर्बाद कर रहे हो। शराब आज कल के 99% लोग शराब पी रहे हैं दोस्तों, 99% मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन 95% लोग शराब पी रहे। उसमें से हम छोड़ गए तो 5% लोग नहीं पी सकते, छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम लोग शराब पी रहे हैं। आप सोचा है कि अगर हम लोग शराब पी रहे लेकिन हमारा खर्चा कितना हो रहा शराब पे? दोस्तों शराब पीकर हम लोग एक साल का 72,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं। अगर वो खर्चा हमारे जीवन में, हमारे सफल के लिए, हमारे बच्चों पे, हमारे ऊपर हम अगर 72,000 रुपये खर्चा किया स्ट्रगल करने के लिए, तो हमारा जीवन कितना सफल हो सकता है? हम कुछ अच्छे कार्य के लिए, अगर कोई एक वृद्ध आश्रम है, कोई बालक आश्रम है, वहाँ पर हम दान कर सकते हैं पैसा। उतना पैसा अगर दान करोगे तो अपना देश कितना आगे जाएगा। खाली हम पी के पूरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हमें फेफड़े हमारे पूरे नाकाम में हो रहे हैं। दोस्तों हम लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन दोस्तों शराब पीने से, सिगरेट पीने से 58 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है कैंसर से, हृदय रोग, कैंसर, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है शराब से। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमारे देश में कितने लोग शराब पी रहे और हमारा जीवन कितना बर्बाद हो रहा है। तो हम जानेंगे दोस्तों कि आज हम शराब पीते हैं तो हमारे जीवन में हम हर दिन, हर साल का कितना खर्चा होता है। तो दोस्तों मैं ऐसा भी उस पर स्टडी किया और मैं जाना कि एक साल का 72,000 रुपये हमारा जीवन का खर्चा हो जाता है खाली शराब पीने का। दोस्तों अगर ये खर्चा हम 72,000 रुपये खर्चा करते हैं तो हम अगर हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ हमारे स्ट्रगल के लिए अगर ये खर्चा किया तो हमारे जीवन में हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जीवन हम ऐसा भी गवा रहे हैं दोस्तों। मैं कहना चाहता हूँ कि एक शराब पीना एक सामाजिक बुराई है हमारे देशों में, शराब पीना एक सामाजिक बुराई है और हमारे जीवन में हम अधूरे रह जा रहे, पीछे रह जा रहे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा भी कहा गया है कि जब तक हथौड़ी की चोट एक पत्थर पर ना गिरे तो पत्थर भी कोई भगवान नहीं बनता, पत्थर भी कोई भगवान नहीं बनता। जब तक हथौड़ी की चोट पत्थर पर ना गिरे तो कोई पत्थर भी भगवान नहीं बनता। ऐसे भी किसी की जय जयकार नहीं होती, ऐसे भी किसी की जय जयकार नहीं होती। जब तक हथौड़ी की चोट ना पड़े पत्थर पे तब पत्थर भी कोई भगवान नहीं बनता। दोस्तों अगर बार बार अगर एक बूंद पानी की पत्थर पे गिरे तो पत्थर को भी छेद बना सकती है। दोस्तों हम क्यों नहीं कर सकते, हम पहाड़ क्यों नहीं तोड़ सकते? हमारे अंदर काबिलियत होना चाहिए, हमें काबिलियत बनना चाहिए दोस्तों, हमारे अंदर स्ट्रगल होने की काबिलियत होनी चाहिए। दोस्तों हमारे जीवन में हम शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में 58 लाख लोगों के फेफड़े की बीमारी से लोग ग्रस्त है, हर दिन मृत्यु होता है सिगरेट पीने से। हर साल 58 लाखों की मृत्यु हो जाती है सिगरेट पीने से, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर, मुंह का कैंसर, ऐसा बहुत सारे कैंसर हो जाते हैं हमारे जीवन में दोस्तों। तो कहा गया है, किसी ने कहा है दोस्तों कि ऐसे भी किसी की कहावत आप सुन के चौंक जाओगे, कि मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि शराब मत पीजिए, एक शराब पीना सामाजिक बुराई है, शराब पीने से आपका संतुलन बिगड़ जाता है और आप शराब पीते खुद को भी नुकसान है, दूसरे को भी नुकसान है दोस्तों। कैसे कि दूसरे को तकलीफ है, आप शराब पीते दूसरे को तकलीफ हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही आपको संदेश देना चाहता हूँ। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले टॉपिक तक, तब तक आप अलर्ट रहिए, सेफ रहिए। लेकिन दोस्तों मैं जाते जाते आपको कहना चाहता हूँ शराब मत पिए, मैं हाथ जोड़ के मैं आपसे नम्र विनंती करता हूँ, शराब मत पीजिए दोस्तों। आपके पूरे साल के 72,000 रुपये खर्चा हो रहा है दोस्तों, जानेंगे आप। तो देखिए दोस्तों अगले टॉपिक के हम मिलते हैं, तो अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे। तब तक आप मेरा वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।